الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال عليه الصلاة والسلام أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم دینی اور ایمانی بھائیوں آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل مال ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے خود بخود چلتی ہے اور یہ مال فی نفسی ہی مفید ہے نہ مضر البتہ اس کا استعمال اس کو مفید بناتا ہے اور اس کا استعمال ہی اس کو مضر بناتا ہے نقصان دہ بناتا ہے چنانچہ کسی غلط جگہ پر خرچ کی جانے والی لاکھوں کروڑوں روپیے کی رقم بھی بیکار فضول اور بے حیثیت ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کیا جانے والا ایک روپیہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے چنانچہ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی نے کتنی کثیر رقم اللہ کے نام پر دی ہے یا کتنا موٹا پیسہ اس نے اللہ کے نام پر لٹایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ دینے میں مخلص کتنا تھا چنانچہ بزرگوں نے اللہ کے نیک بندوں نے اس مال کے سلسلے میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے ایک عجیب پوائنٹ کی بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں سونے کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو دینار کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ آگے سے الف اور را کو ہٹا دو تو باقی کیا بچتا ہے دینار میں سے الف اور را کو آپ نے ہٹا دیا تو کیا بچا دین بچا نہیں دینار میں سے الف اور را ہٹا تو دین بچا یعنی جو پیسہ جو مال جو رقم اللہ کے نام پر لگائی جاتی ہے گویا وہ بھی دین بن جاتی وہ بھی دین بن جاتا اور اگر کسی مال کو اللہ کی شریعت کے مخالف کاموں پر لگایا جائے تو اس کے اخیر میں دینار کے اخیر میں نون الف را نار کا لفظ پہلے سے موجود ہے اور نار کسے کہتے ہیں آگ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں
आपको देखते हैं। यहां से उलेमा ने लिखा है कि अगर अल्लाह के अवामीर के खिलाफ ये रकम, ये पैसा, ये माल सर्फ होता है, ये दौलत लगती है, तो गोया आप समझे कि पहले से इसमें आग मौजूद है, ये आपको आग की तरफ लेके जाए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने माल को भी दीन बना दें। चुनांचे ऐसा दीनदार, ऐसा अल्लाह का बंदा दीनदार जो माल कमाता है हलाल तरीके पर और फिर उसको हलाल जगहों पर ही खर्च करता है, अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा पसंदीदा है, महबूब है, मकबूल। फिर माल हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नहीं कमा सकते, हमारी अक्ल की बुनियाद पर दौलतों के दहाने लग जाए ऐसा नहीं है, दौलतों के अंबार लग जाए ऐसा नहीं है, उसके दहाने खुल जाए ऐसा नहीं। ये अल्लाह का इंतजाम है, वो जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं महरूम करते हैं। चुनांचे दुनिया में आपने गौर फरमाया हो तो बड़े बड़े दिमाग वाले, सलाहियत और अकल वाले इंसान बड़े माइंडेड बंदे कारोबार से टूटे हैं, खाली हाथ है, कुछ नहीं है उनका, और बड़े बड़े बेवकूफ उनके मुकाबले में बेवकूफ, यानी दिमाग उनके पास उस दर्जे का नहीं, सलाहियत उस दर्जे की नहीं, इल्म उस दर्जे का नहीं, वो काबिलियत अपने अंदर उस दर्जे की नहीं रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नवाजिशात, उनकी इनायात और उनके फजल का मामला अलग है, वो जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं, सो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, तो अकल अपनी जगह, फहम अपनी जगह, सलाहियत अपनी जगह, लेकिन साहब वो मालदार नहीं है, अहले जर है, अहले दौलत, अहले सर्वत में उनका शुमार होता है। असल में ये माल जो कुछ हमारे पास है ये किसने दिया? अल्लाह को। ये अता अल्लाह की है, हमारा इसमें कोई कमाल न कल था, न आज है और न आइंदा हो सकेगा, ये सब तो अल्लाह की अता है, अल्लाह ही का बदल है कि उस पाक जात ने अपनी इनायतों और अपनी मोहब्बतों के नतीजे में बगैर किसी इस्तेहकाक के, बगैर किसी अहलियत के और बगैर इसके कि हम इस माल के हकदार होते, अल्लाह ने अपने फजल व करम से हम पर ये माल निछावर किया है, ये लुटाया। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतु वला शफा। ए ईमान वालों, ऐ वो बंदो जो हमें अपना रब तस्लीम करते हो, ऐ वो लोगो जो मेरे हो, मुझ पर ईमान लाए हो, मेरी रुबूबियत का, वहदानियत का, समदानियत का, उलूहियत का, मेरे माबूद होने का, मेरे अकेले होने का इकरार करते हो, ऐ वो लोगों जो ईमान वाले हो, जो रिज़्क़ हमने तुमको दिया है उसमें से वो दिन आने से पहले पहले खर्च कर लो हमारी राह में। कौन सा दिन? वो दिन जिस दिन न कोई सौदा होगा, वो दिन न कोई दोस्ती काम आएगी जिस दिन, और वो दिन जिस दिन न कोई सिफारिश काम आएगी। अमाल की दुनिया अगर आबाद होगी, अमाल आपके पास होंगे, तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए नजात का फैसला कर दिया जाएगा और परवाना लिख के आपके हवाले कर दिया जाएगा, और अगर आपके पास अमाल नहीं होंगे तो फिर वहां सिक्का, रुपये का, दिरहम का, दीनार का नहीं चलता है, वहां सिक्का अमाल का चलता है। वो दुनिया जिसको आलम आखिरत से ताबीर किया गया, जो इस दुनिया के बाद की दुनिया है,
वो दुनिया जहां हमेशा रहना, ये दुनिया बहरहाल कट जाएगी, यहां ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये कटे नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ये कट जाएगी, आज नहीं कल नहीं परसों, इसको बहरहाल कटना है और हमेशा के लिए। तो कोई बंदा दुनिया में ना कभी बसा है और ना बसेगा, लाजमी तौर पर हर बंदे को मौत आनी है और हर एक को इस राह से गुजरना है। जहां तक ताल्लुक है मौत का और जहां तक ताल्लुक है इस दुनिया का, ये दुनिया तो खात्मे पर है, इसको तो खत्म होना है। कुरान ने इसके सिलसिले में कहा है मताउद दुनिया कलील, इसको कहा गया और ऐसे ही कहा गया लिकुल्ल उम्मतिन अजल इला जा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जान तो बचने वाली है नहीं, अयनमा युद्रिकुकुल मौत वलव कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत बहरहाल सबको आएगी और असल जिंदगी ये नहीं है जहां मैं और आप इस वक्त हैं, ये तो आरजी जिंदगी है, ये उस जिंदगी के लिए आपको जिंदगी दी गई है ताकि आप इस जिंदगी को कुर्बान करके उस जिंदगी के तहफ्फुज का सामान कर सकें। उस दुनिया को बनाने के लिए इस दुनिया का कुर्बान करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। चुनांचे जैसे जैसे आदमी को मौका मिल जाया करे और जैसा जिसका मौका हुआ करे और जब मौका मिला करे उसको चाहिए कि वो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करे, अल्लाह के रास्ते में सर्व किया करे। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह को दे दिया जाएगा वो बाकी रहेगा और जो हमारे पास रह जाएगा वो खत्म। मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक, कुरान ऐलान कर रहा है जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म होगा, ये यकीनी बात है, और जो अल्लाह के पास चला जाएगा वो बाकी रहेगा। जो तुम अल्लाह के नाम पर लुटा दोगे, मिटा दोगे, सर्फ कर डालोगे वो बाकी रहेगा और अल्लाह पाक दोनों जहानों में तुम्हें उसका बेहतरीन सिला मरहमत फरमाएगा। और जो कहिए कि हमारे अपने पास रहा तो उसके मजे तो कोई और ही लूटेगा। हजरत पीर साहब फरमाते हैं आज का मालदार मालदार नहीं है, आज का मालदार तो अपने माल का चौकीदार। सच्चाई है, बाप दिन रात मेहनत करता है, हराम हलाल की तमीज खोकर अपनी आखिरत को दांव पर लगाकर अपनी आखिरत से समझौता करके माल कमाता है और उस गरीब को उसकी बागे बाहर नसीब नहीं होती है। कोई और उसके माल पर मजे करता है, कोई और उसके माल पर अय्याशी करता है, कोई और उसके माल पर अपनी दुनिया को आबाद करता है, अपनी रंगीनियों की दुनिया को आबाद करता है और माल बनाने के जरिए वो अपनी पहचान और पोजीशन और अपनी ताकत का एक वजूद बनाता है। कमाया किसी और ने था, खाता कोई और। इसलिए अलमा ने लिखा है जो कुछ आप लगा सकते हो लगा दीजिए, आज मौका, कल मालूम नहीं हाथ पांव सलामत रहे ना रहे, कल मालूम नहीं आपकी पोजीशन ऐसी हो कि ना हो कि आप अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर सके या अल्लाह के नाम पर कुछ दे सके, तो जाहिर है कि ये आपके पास जमानत के तौर पर गारंटी के तौर पर ऐसी तो कोई बात है नहीं ना, आप ऐसा तो कोई जमानती आप पेश नहीं कर सकते जो हकीकी तौर पर मानवी तौर पर इसकी जमानत पेश करे। जनाबे बन आप अल्लाह के रास्ते में भी कुछ खर्च नहीं करेंगे, माल अल्लाह की राह में लौटाएंगे भी नहीं और फिर आपको राहत होगी, ऐसी तो जमानत किसी के पास नहीं। और खुशियत के साथ उस दुनिया की जमानत तो कोई दे ही नहीं सकता, यहां तो भाई साहब जैसी कटेगी कट जाएगी, रोकर नहीं कटेगी हंस के कटेगी।
हस्कर नहीं करते, विद्रोह की करते, जिंदगी सबकी गुजरती है, मालदारों की भी गुजरती है, गरीबों की भी गुजरती है। आपने नहीं देखा होगा कि गरीब आदमी है तो उसकी जिंदगी थम गई, ऐसा कभी देखा? गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, हाकिम हो, रियाया हो, मालदार हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, कोई हो, हर एक की जिंदगी गुजर जाती है। बस फर्क है किसी की मुश्किलात में गुजरती है, किसी की आसानियों में गुजरती है, लेकिन गुजर तो सभी की जाती है। मैंने अर्ज किया, कुरान कह रहा है जो कुछ आपके पास है वो तो भाई साहब आपका है, खत्म होना है उसको। जो कुछ आप लगा देंगे दे देंगे वो सब किसका है? अल्लाह का। वो किसका है? वो अल्लाह के नाम पर जो आपने दिया है वो बाकी रहेगा। फिर अल्लाह पाक इस बात और इशारा करवा रहे, वमा अनफक्तुम मिन शयइन फहुवा युख्लिफु, जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम हमारे नाम पर कुछ दोगे तो हम लेकर के तुम्हारा रख लेंगे। जैसे बगैर किसी इस्तेहकाक के और हक के और जनाबे वाला अहलियत के हमने पहले तुम्हें बहुत माल दिया है, जब तुम अपने माल का कुछ हिस्सा हमारी राह में खर्च करोगे पाक ऐलान फरमा रहे, फिर हम तुम उसको उसका इवज देंगे, बदला देंगे। और कितना देंगे? इस दुनिया में एक के दस तो यकीनी है, और आखिरत में जो कुछ इनाम हम तुमको देंगे उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहां तो एक का दस मिलना यकीनी है, वहां जो कुछ आता होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। चुनांचे सैयदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, अल्लाह की एक बरगुजीदा बंदी गुजरी है, उनके हालात में मिलता है, एक मरतबा साइल उनके दरवाजे पे आया, कोई मांगने वाला अल्लाह का बंदा गरीब आदमी, और उसने कुछ अपनी भूख का मुतालबा रखा। इनके पास एक रोटी थी, वो एक रोटी इन्होंने उस अल्लाह के कमजोर गरीब बंदे को दे दी, और देख करके मुतमईन हो गई। कुछ देर के बाद वही अल्लाह का बंदा खाना लेके आया और उसमें रोटियां थी तीन, उसने दरवाजा बजाया तो इनकी खादिमा आई और उन्होंने आकर के कहा कि कोई खाना पेश करता है। हजरत राबिया ने कहा उसमें रोटी देखो कितनी है, तो रोटी जब देखी गई तो उसमें रोटी तीन थी। हजरत राबिया ने कहा ये हमारा हक नहीं है, किसी और को पहुंचा दिया, हमने एक दी है और एक नेकी का अज्र अल्लाह ताला दस नेकियों के बराबर मरहमत फरमाते हैं। ये तो तय है कि हमारी दस रोटियां आएंगी। चुनांचे सैयदा राबिया फरमाती है कि हमने एक दी है, हमारी दस आएंगी, इंतजार करो। कुछ देर के बाद फिर एक अल्लाह का बंदा आया और उसने खान पेश किया, एक दस्तरखान, एक थाल पेश किया। हजरत राबिया ने फरमाया इसमें देखो कितनी है, तो उसमें गिनती की दस रोटी थी। फरमाया ये हमारा हक है, इसको लेके कबूल करो। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अमवाल में जो बरकत नहीं रही, हमारे माल में जो इजाफा नहीं होता, हमारे माल तरक्की की शक्ल इख्तियार जो नहीं करते, हमारे कारोबार जो उरूज को नहीं पहुंचते हैं, उसका बुनियादी सबब यह है कि हमारे अपने मालों में अब हमने अल्लाह की राह में खर्च करने का मिजाज खत्म कर दिया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अल्लाह के नाम पर पैसा कुर्बान करो, माल खपाओ, जान खपाओ, वक्त खपाओ, अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। और एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्फिक यबना आदम उन्फिक अलैका, अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ऐ औलादे आदम तो मेरे दीन पर खर्च कर, मेरे नाम पर अपना माल कुर्बान कर, मैं अपने खजानों के दरवाजे तुझ पर खोल दूंगा,
اور خزانوں کی کہیے کہ خزانوں کے خزانے تجھ پر قربان کر دوں گا، تجھ پر لٹا دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کے نام پر جب جیسا موقع تقاضوں کی شکل میں ہمارے سامنے آیا کرے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا مال اللہ پر لگائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ مال دیا کس نے؟ چنانچہ بڑی عجیب بات شاعر کہتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی عطاؤں کا کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ آدمی تھوڑا سا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ اس کو رحمت کرتا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنے مال کا کچھ حصہ ضرور اللہ کے نام پر قربان کرے۔ چنانچہ جب آدمی اللہ کے نام پر لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے اس پر کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں قصہ مذکور ہے تین لوگوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک کوڑھی تھا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا مال دے کر۔ جی ہاں، یہ جو مال ہے نا، مال یہ جب تک، میں نے عرض کیا دینار الف اور را ادا دیجئے تو دین بنتا ہے، جب تک اس مال کے ساتھ دین جڑا رہتا ہے تب تک بندہ خیر میں رہتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سے دین کا سلسلہ ہٹتا ہے تو یہ مال وبال جان بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوڑی کے لیے، کوڑ کے مرض میں مبتلا انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس بیماری سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا آدمی کی شکل میں، اور وہ آیا کوڑی کے پاس، اور اس نے اس سے آ کر کے ملاقات کی اور کہا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے چاند باندر کے چچا جان؟ اس نے کہا بہت اچھا ہوں بھیا، اپنا کیا، نہ ساون سوکھا نہ باندھو ہرا، اپن تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں بھائی، تمہیں پتا ہی ہے تھوڑی آدمی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 56 کی 4 چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں، تمہاری آپ کی کیا ہے نا؟ نہیں، اس نے 56 کی 4 بعد میں باندھی۔ پہلے اس نے کہا کہ دیکھو میں کوڑ کا مریض آدمی ہوں، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں، میری چاہت کیا ہو سکتی ہے؟ بس آپ دعا کر دیں اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ وہ تو فرشتہ تھا نا، آسمان سے آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا۔ چنانچہ اس نے چچا کوڑی کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور وہ تو سیدھے ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب جیسے وہ ٹھیک ہوئے تو بھولے نہیں جما رہے تھے، فرشتے نے آگے سے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ اب اس نے وہی بات کہی جو میں نے رکھی۔ فرشتے نے پوچھا کیا پسند ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ کہا بہت اچھا۔ فرشتے نے ایک اونٹنی اس کے حوالے کی اور کہا جا، اللہ تیرے اس مال میں برکت دے۔ چنانچہ اتنی برکت ہوگی کہ کچھ دنوں میں وارے کے نیارے ہو گئے۔ ماشاءاللہ حضرت تو محاورے سمجھتے ہیں، کیا بات ہے، میں سمجھ رہا تھا نہاری میں سب کچھ گم ہو گیا۔ اللہ اچھا رکھے آپ حضرات کی ذہانت کو سلامت رکھے، وارے کے نیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو حضرت تکلو جان کے پاس بھیجا، کہا حضرت آپ کے تو سر پر پلاٹنگ ہو رہی ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو ہے۔ اس نے کہا کیا چاہوں گا بھائی،
लोग मांग निकालते हैं, बाल रखते हैं लंबे लंबे, गंजा आदमी को बाल चाहिए और क्या, अच्छी खासी पर्सनालिटी का कबाड़ा हुआ चाहता है, कोई देखता भी नहीं हमें तो, गंजे आदमी है, गंजा होना अगर अच्छे फैशन हो गया, लोग टकला होना अच्छा समझते हैं, पर बाकायदा गंजे होके घूमते, वो एक अलग बहस है, अच्छा है बुरा, वो एक अलग बहस है, लेकिन मेरे यार उस जमाने में वो अपने लिए इसको मायूब समझ रहा था। उसने कहा दुआ कर दीजिए सर पे बाल आ जाए, बाल नहीं आते, बड़ा सब डॉक्टरों को दिखाया। अच्छा, उसने हजरत गंजे साहब के सर पे हाथ फेरा और वो तो चंगे हो गए, गंजा चंगा हो गया, बाल ही बाल, दुनिया आबाद हो गई बालों की। चुनाचे उसके बाद फरिश्ते ने उससे पूछा क्या चाहते हो, क्या पसंद है आपको, उस जमाने का जो मालिक तिजारत था ना यही सब था, ये तो जमानों में तरक्कियां जैसे जैसे होती रही है वैसे वैसे मामला बनता था। तो फरिश्ते ने कहा क्या चाहते हो, उसने कहा कुछ नहीं चाहता हूं, गाय बहुत पसंद है, उसने एक गाय उसके हवाले की फरिश्ते ने, और फिर उसने ये कहा जा अल्लाह तेरे इस माल में बरकत दे। चुनांचे कुछ दिन गुजरे और फिर वारे के वारे हो गए, वो बड़ा सा उसका माल बनाल सब तरक्की करता रहा। ये पहुंचा अंधे के पास और इसने जाकर के उससे कहा अस्सलामु अलैकुम या अखी, मेरे भाई सलामती हो आप पर, क्या चाहते हो, दिखता नहीं है क्या चाहता हूं, अरे मैंने दुनिया की कुमकुमे नहीं देखे, उजाले नहीं देखे, रंगीनियां नहीं देखी, मुझे क्या पता नाकिला कैसा है भाई, आंखें चाहता हूं और क्या चाहता हूं। फरिश्ते ने उसकी आंख पे हाथ फेरा, अंधा था समाका हो गया, देखने लगा और क्या चाहते हो, क्या पसंद है आपको, कहा मुझे बकरियां बहुत पसंद है। फरिश्ते ने बकरी दी उसके हवाले की और कहा जा अल्लाह तेरे इस माल में बरकत दे। नाचे फरिश्ता दे के चला गया, कुछ दिन गुजरे और फिर तो फिर तो बादे बहार थी और वो अल्लाह का बंदा तरक्की कर गया। कुछ वक्त गुजरा, साल दो साल पांच छह दस जितना वक्त गुजरा, अल्लाह ने इस फरिश्ते को तीनों के पास जब उनका माल शबाब को पहुंच गया और वो ताकतवर हो गए और उनके बागात और महलात हो गए, फिर अल्लाह ने इस फरिश्ते को हरेक के पास भेजा और जिसका जो मर्ज था, जो जिस बीमारी में मुब्तला था, उसी बीमारी का शिकार बना के इस फरिश्ते को वहां भेजा। चनाचे ये कोढ़ी के पास आया और इसने आकर के कहा अल्लाह के नाम पर एक ऊंटनी का सवाल करता हूं, कोढ़ी हूं, मुसाफिर हूं, दूर से आया हूं। मुसाफिर तो था ना, वहां से आ रहा है वो तो दूर भी बहुत है, यही है असमन। अच्छा आप जाके दिखाए, नहीं नहीं अभी अभी कहां पहुंचा रहे हैं आप, अभी तो जीना है, बहुत दूर है ना, मुसाफिर भी है, तो उसने गलत नहीं कहा और कोड़ी बख्ती तौर पर तो मेरे यार उसमें गिरफ्तार है। तो फरिश्ते ने कहा साथ साथ फरिश्ते ने यह बात कही मैं जानता हूं तेरी हालत क्या थी, अल्लाह ने तुझ पर फजल फरमाया और नतीजतन तू यहां तक पहुंचा है। लेकिन माल का एक नशा होता है, खुमार होता है इस माल का, जैसे जैसे माल आता है ना तो आदमी का लहजा बदलता है, अंदाज बदलता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था या गालिबन किसी और ने, हाँ अकबर ही ने कहा था, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, अमीरी मालदारी शजर पेड़ को कहते हैं, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये मालदार लोग कुछ भी करे ना तो समझ क्या कहता और जगह कुछ नया चलन लॉन्च हुआ हो। हाँ ये मालदार लोग अगर जना बेमन सर नीचे और पांव ऊपर करके रोजाना दो घंटे ऐसे अपने आप को करें ना तो गरीब लोग ऑटोमेटिक किस रविश पे आ जाए, यार हो सके लेटेस्ट कुछ यही हो जो ये कर रहे हैं। मन का एक खुमार होता है, नशा होता है, उसकी अपनी रंगत होती है। तो इस कोड़ी ने जो पहले कोड़ी था अब तो ठीक ठाक था, इसने फरिश्ते से कहा यार बेटा खुले हुए नहीं है, यही होता है ना मरंदा, जहां से आप चले आते पता नहीं कहां से, ये वहीं से आए जहां से आपको दिया गया, उसी ने इनको फकीर बनाया भाई, इसने आपको बंधा बनाया।
तेरा जितने का खुले हुए नहीं है। और क्या कह रहे हैं तू, मैं तेरी हालत जानता हूं, ये हमारे पुरखों की कमाई है। इसने दिल्ली में आके बेर पीछे से सबको पता है, इधर से उधर मान लिए घूमता था, सबको पता है। लेकिन अब चूंकि पैसा आ गया है तो अब हाथ भी एक ही मिलाता है, दो नहीं मिलाता, डंडा पकड़ा है हाथ में। अपनी अपनी बादशाहत, अपनी अमीरी और अपनी कहिए कि मालदारी का खुमार इसको जो होता है, उस अमीरी के नशे में चूर होकर ये अल्लाह का बंदा गरीबों से एक हाथ मिलाता है। हालांकि सबको पता है इनकी हकीकत क्या है। ये नए मालदार बड़े अजीब होते हैं, नए मालदारों के फितने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत करता है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान की एक शायरा है, उन्होंने गजल कही थी बहुत पहले, उसका शेर आपको सुना रहा हूं, बड़ा अच्छा शेर था। उसने कहा था, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं। और फिर उसी ने कहा था, जो खानदानी रईस है वो, जिनका बैकग्राउंड खानदानी होता है ना, जो शुरू से चले आते हैं, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं जी। ये नई नई दौलत वालों के लहजे अगर होते, मेरे आज फरिश्ते ने कहा, मैं जानता हूं तेरी पोजीशन क्या थी भाई, अल्लाह के नाम पे भी तेरे, और देखो चलो खुले हुए नहीं चले आते, पता नहीं कहां से तुम्हारे बाप का माल है। तो फरिश्ता जाते जाते कह गया, अल्लाह तुझे तेरी असली हालत पर लौटा दे, अगर तू अपनी बात में सच्चा है, सच्चा तो था ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है ना, किसने दिया था, अल्लाह ने दिया था। फिर यही बंदा, यही फरिश्ता उस गंजे के पास गया, अस्सलामु अलैकुम चचा टकलू जान, कैसे मिजाज है आपके, अच्छे हैं आप, हाँ बहुत अच्छा हूँ, मुसाफिर हूँ, गरीब तैयार हूँ, दूर से आ रहा हूँ, एक गाय मिल जाती तो, गरीब का ताउन हो जाता तो, अल्लाह के नाम पर दे देते तो, और मैं जानता हूँ आपकी हालत क्या थी, अल्लाह ही ने आप पर फजल फरमाया। क्या कह रहा है ये होता है जा रहा नहीं जा रहा, इसे छोड़ देता हूँ, ऐसा ही होता है, सही बता रहा हूँ। बड़े बड़े मालदारों के रंग देखे हमने, हमारे शहर के, मेरठ शहर के बहुत बड़े मालदार, मैं एक दिन फजर से पहले घर से आ रहा था अपने, तो वो बॉडी कार में चल रहे थे, तो ऐसे जा रहे थे वो, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बैठे थे वो शीशे की तरफ, बड़ी हवा दी थी अल्लाह ने किसी जमाने में उस शख्स को, एक एक वक्त में दो दो अहदों से एक वक्त में नवाजा, बहुत बड़ा बनाया था अल्लाह ने उस शख्स, वो ऐसे जा रहा मेरे साथ, ये तो महल्ले का भी लड़का था, मैंने उसे कहा देख देख ये फला आदमी है, ये एक वक्त में, अब अगर मैं इतना इशारा दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे, और समझाना मकसूद है नहीं, ये एक वक्त में दो दो अहदों पर रहा है, और इस रोड पर जब ये चलता था तो इसकी गाड़ी हो करते गुजरती थी, आज ये इस गुमनामी के साथ इस रोड पर गुजर रहा है, कोई जानता भी नहीं है कि कौन गुजर रहा। जी हाँ, ये दुनिया है, आज अगर आपको उरूज है, अगर आपने इस उरूज को बाकी रखने के लिए अल्लाह के दीन का ताउन न किया तो आपका सवाल पक्का, इस माल का बेजा इस्तेमाल किया तो सवाल पक्का। जी हाँ, ये अल्लाह का एक निजाम है। चनांचे फरिश्ते ने गंजे से कहा, मैं जानता हूं आपकी हकीकत क्या है, आप आजकल आईफोन 7 प्लस और 7 लिए घूम रहे हैं, और आप 300 सीसी की बुलेट लिए घूम रहे, और आपके पास इनोवा भी है, स्कॉर्पियो भी, और भला नहीं क्या क्या आपके पास बहुत सारी चीजें, लेकिन जा रहा नहीं जा रहा दुनिया से, बड़ी मेहनत की है मैंने। फरिश्ते ने कहा, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आप पर फजल फरमाया, हाँ जानता होगा, चले आते हैं वो उठा के। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तुझे तेरी असली हालत पर लौटा दे, अगर तू अपने कौल में सच्चा है। वो सच्चा था, अरे वो तो गंजा था, और गंजा ही रहा वो, नतीजा क्या निकला, भाई साहब के बाल जाते रहे, और वो भाई साहब फिर से कोढ़ के मर्ज के वो शिकार हो गए। अब ये पहुंचता है अंधे के पास, जो बेचारा देखने से मांजूर था,
इसने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम मिजाजे गिरामी, आप बखैर है, मैं जानता हूँ आपके पास आंखें नहीं थी, अल्लाह ने फजल फरमाया आपके पास आंखें आई, अल्लाह की दौलत आपको मिली और आपकी बकरियों के माल में अल्लाह ने इजाफा किया और वो बढ़ता रहा और आप बहुत बड़े सेठ हो गए। तो वो अंधा आदमी रो पड़ा, बिल बिलाया और उसने फरिश्ते ने जब उसके सामने कहा दूर से आ रहा हूँ, मुसाफिर हूँ, एक बकरी का सवाल करता हूँ, अल्लाह के नाम पर जरा दे दीजिए, तो उसने फरिश्ते का हाथ पकड़ा और अपनी बकरियों के रेवड़ में ले गया, आंख में आंसू थे, रो के कहता था तू सच कहता है, मैं अंधा था, दिखता नहीं था, अल्लाह ने मुझ पर फजल फरमाया, उस रब की आता होगी, एक अल्लाह का बंदा आया था, उसने मेरी आंख पे हाथ फेरा था, रब की आता के नतीजे में मैं देखने लगा था, उसने एक बकरी दी थी, उसमें बरकत होगी थी, और आज ये रेवड़ का रेवड़ फैला हुआ है, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, उस अल्लाह के नाम पर तूने सवाल किया है, जितनी बकरियां ले जाना चाहता है ले जा, मैं तेरा हाथ नहीं रोकूंगा। उस फरिश्ते ने कहा मुझे बकरियों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने भेजा है, फरिश्ता हूँ, आजमाइश के लिए आया था, तुझसे पहले दो बोले दो की आजमाइश की जा चुकी है, उन्होंने अल्लाह के माल से बगावत की, अल्लाह की नेमतों का इस्तेहजा किया, रब की नेमतों की नाकदरी की, उन्होंने कहा पुरखों का कमाया हुआ माल था, हमारे आबाओ-अजदाद की दौलत है, अल्लाह ने उनसे ले लिया, वो कोढ़ी का कोढ़ी हो गया, वो गंजा का गंजा हो गया, और तूने अल्लाह की नेमत की कदर की, लइन शकरतुम अज़ीदन्नकुम, जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया जाता है अल्लाह नेमतों को बढ़ा देते हैं। लिहाजा मैं तेरी बकरी नहीं लूंगा, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा था, रब तेरे माल में और बरकत करे। चुनांचे वो पिछले दो लोग अपनी पिछली हालत पर लौट गए और इस बिचारे के माल में और बरकत हो गई और इसका जिस्म और सलामती और सेहत का मालिक हो गया। जी हाँ, इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह के नाम पर लुटाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दे। माल किसने दिया? माल किसने दिया भाई? तो कामयाबी किस बात में है? इस माल को अल्लाह पर लगा देने। चुनांचे हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजों पर एक रिवायत नकल करते हो, जन्नत के दरवाजों पर तीन लाइनें लिखी हुई हैं, तीन बड़ी हेडलाइन है जन्नत के दरवाजे पर लिखी हुई। पहली लाइन में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी लाइन में लिखा है उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, लोग गुनहगार है मगर परवरदिगार गफ्फार है, लोग गुनाह करते हैं और अल्लाह माफ करने वाला। और तीसरी अबू लैस समरकंदी लिखते हैं तीसरी लाइन में लिखा हुआ है वजदना मा अमिलना रबिहना मा कद्दमना खसिरना मा खलफना, जो अमल हमने किया उसे पाए, जो अमल हमने किया उसे पाया, जो आगे भेजा उसका नफा मिला और जो पीछे छोड़ दिया उसका नुकसान मिला। जी हाँ, जो आपने अपनी जात पर कुर्बान किया उसका नफा आपको हासिल हो न हो जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन जो अल्लाह पर लगाया जाएगा इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। कुरान में अल्लाह फरमा रहे तीन लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बिजनेस पार्टनर हैं, अल्लाह से तिजारत करते हैं, उनका उनका बिजनेस पार्टनर दुनिया का कोई आम सा इंसान नहीं बल्कि सारी दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह के बिजनेस पार्टनर हैं और वो ऐसे बिजनेस करते हैं जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कोई घाटा नहीं। तीन लोग, पहला वो जो कुरान की तिलावत करता है, दूसरा वो जो नमाज का एहतमाम करता है, और तीसरा वो जो छुपकर या खुलकर अल्लाह के रास्ते में अपने माल से ताबूत करता है। तो अल्लाह के साथ तिजारत करनी है ना, करनी है ना भाई? जी हाँ, अल्लाह के नाम पर लुटाना है ना। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के नाम पर लुटाएंगे और अल्लाह अपने खजानों को
हम पर लुटाएंगे। चुनाचे आखिरी बात बता के बात को तकमील तक पहुंचाते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला वो मदीना मुनव्वरा में एक बाग से गुजरे, उन्होंने देखा एक गुलाम हबशी गुलाम बैठा है, खाना खा रहा है, उसके सामने एक कुत्ता है, वो एक लुकमा खुद खाता है, एक उस कुत्ते को डालता है। वो उसके पास गए और जाकर के उन्होंने ये बात कही, मैं देख रहा हूँ तुम एक लुकमा खुद खाते हो, एक कुत्ते को खिलाते हो। उसने कहा, शेख ये कुत्ता मेरे साथ बरसों से रहता है, लिहाजा मैं इस बेजुबान जानवर का ख्याल करता हूँ। फरमाए बाप किसका है? कहा हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वारिसों का है। क्या तुम उनके गुलाम हो? जी हाँ मैं उनका गुलाम हूँ। ये अब्दुल्लाह इब्ने जाफर उनके वारिसीन के पास गए, हजरत उस्मान गनी के वरासा के पास गए जिनका ये बाप था, वहां गए और जाकर के बाप की कीमत भी अदा की और गुलाम की कीमत भी अदा की। बाप भी खरीदा, गुलाम भी खरीदा, और खरीद लेने के बाद फिर उन्होंने इस गुलाम से आकर के कहा, मैंने तुमको भी खरीद लिया, बाप को भी खरीद लिया, और अब तुम तुम्हारे लिए एक नई बात। उसने कहा, जी हजरत आपने बाग भी खरीदा, मुझे भी खरीदा, अल्लाह आपके बाग में बरकत दे, लेकिन मुझे रंज हुआ, उन्होंने मुझे बचपन से पाला था, मैं उनका गुलाम ही रहता तो अच्छा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर ने उससे कहा कि मैंने तुमको भी आजाद किया और ये बाग तुम्हारे हवाले हदीयतन पेश किया। उसने कहा, फिर आप गवाह रहिएगा, मैंने ये बाग अपने उन आकाओं के लिए, अपने उन मुहसिनीन के लिए जिन्होंने मुझे बचपन से पाला था, मैंने ये बाग उनके लिए वक्फ कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर उसके इस अमल से इतना खुश हुए और फरमाया, बड़ा काम का आदमी है, तूने मुझे वो सबक दिया है कि इस सबक को पढ़ने के लिए आदमी की उम्रें गुजर जाती हैं। अरे उन्होंने पाला था और पाल कर उसने उस पर एहसान किया था, तो उसने बाग वक्त किया और वो महसिन आरजी थे। अल्लाह तो हमारा दायमी महसिन है, उसने तो हमें सब कुछ दिया है ना, सारी नेमतें तो उसी की अता की हुई है। लिहाजा मेरे भाई, आपकी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं और आप अल्लाह के रास्ते में जब जैसे मौका मिले अपने माल से, अपनी जान से, अपने वक्त से पीछे ना हटें, खर्च करते रहें। जाहिर है कि ये इतना लंबा बयान